कितने का बेटा ये? 10 का। मछली को देने के लिए ना? ठीक है। और ये हमारा चिंटू उस्ताद मछलियों के लिए दाना ले जाता हुआ, आटे की गोलियां। तो रुकिए अभी, ये मछलियों को दाना देता हुआ। बहुत सारी मछलियाँ रहती है लेकिन पानी गंदा होने की वजह से, मटमैला होने की वजह से मछलियाँ दिखती नहीं है। लेकिन कहते हैं मछलियों को खिलाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो हम आज मछलियों को दाना खिला रहे हैं, कट्टे ही डाल दिया। जय कर दो गंगा जी को, जय करो गंगा जी को, जय कर दो, अब जय कर दो, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ो। चलिए, ये त्रिदेव की मूर्ति त्रिवेणी घाट पे, कभी आओ तो ज़रूर दर्शन करो यहाँ पर। आजकल श्राद्ध पक्ष होने की वजह से भी थोड़ी सी भीड़ कम है, थोड़े से जो दर्शन करने वाले रहते हैं मंदिर में वो लोग भी कम हैं, क्योंकि मंदिरें भी बंद रहती हैं तो इस वजह से दर्शन नहीं हो पाते यहाँ पे। तो श्राद्धों में भीड़ भी कम रहती है, खाली इन जगहों पे श्राद्ध देने के लिए लोग घाट पे इकट्ठे होते हैं अपने पितरों को, बस वही भीड़ रहती है छुटपुट सी, बाकी ऐसे ही सुनसान रहता है श्राद्ध में यहाँ पर। श्राद्ध होने की वजह से मंदिरों पर भी ताले लगे हुए हैं, हमारे भगवान भी श्राद्धों में अब 15-16 दिन के लिए मंदिर के अंदर ही बंद रहेंगे। ये देखिए ताला लगा हुआ है मंदिरों पे, पूरे बंद है मंदिर श्राद्ध की वजह से। अब मैं आपको ले चलता हूँ त्रिवेणी घाट पर, जो जहाँ पर जिस जगह पर आरती होती है उस जगह को दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे ऋषिकेश में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन, नीलकंठ महादेव, त्रिवेणी घाट, और जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है राफ्टिंग। तो आप लोग राफ्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर, लेकिन बरसात के सीज़न में राफ्टिंग बंद रहती है। अब शायद अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए तो आप यहाँ पर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं। तो कभी त्रिवेणी घाट आओ तो बेलपुरी का भी ज़रूर आनंद लीजिएगा। कितने रुपए प्लेट है ये? ये श्री कृष्ण और अर्जुन जी का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना रखी, जहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी, और इसी के नीचे ये आरती स्थल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं आपको आरती का वो दिखाऊंगा। तो यहीं पे ये आरती का स्थल है, यहाँ पे आरती होती है। ये देखिए आरती वाली जगह है, ये इस जगह पे आरती होती है। यहीं पे हर शाम को 6:30 बजे से आरती की जाती है, आरती होती है यहाँ पे। अभी लोग आराम फरमा रहे हैं इसके नीचे, और आगे गंगा जी। एक बार फिर से देखिए ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए और ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर बहुत मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये त्रिवेणी माता का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर, ये शनिदेव महाराज जी का मंदिर है यहाँ पर, ये शनिदेव महाराज जी का मंदिर। जय हो शनिदेव महाराज की।
त्रिवेणी घाट के बगल पे ये साईं बाबा का मंदिर भी है, और एक तरफ दुर्गा माता जी, और बड़े स्थान पर साईं बाबा जी, और ये छोटी बच्ची यहाँ पर गंगा जी के लिए फूल बेचती हुई। तो दोस्तों, चलते चलते आप सभी को ये कहना चाहूँगा, ज़रूर आइए त्रिवेणी घाट गंगा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, ज़रूर आएगा त्रिवेणी घाट। तो एक छोटा सा ब्लॉग था ये मेरा चलते चलते, अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा ब्लॉगर आज का यही था, ये चिंटू उस्ताद, ये अपना चिंटू है, इसी ने बोला कि आज वीडियो बनाना है, तो हमने ये ब्लॉग चिंटू के नाम से तैयार किया है। चलो चिंटू जी, जय कर दो गंगा जी को, करो जय, करो जय गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, हर हर गंगे।